सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोनों इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए 18 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। फारस रऊफ हसन अली और सलमान अली आगा की टीम में वापसी हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जन्म से दौरे इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। कुम टीम के स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, हसन अली, इफ्तार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अमन, मोहम्मद रजवान, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सानिया अयूब, सलमान अली आगा, शदाब खान, शहीन शाह अफरीदी और उस्मान खान, इमाद वसीम कुम स्क्वाड का हिस्सा हैं। कुम स्क्वाड में हारिस रऊफ, हसन अली और सलमान अली आगा की वापसी हुई। असामा मीर और जमान खान को ड्राफ्ट किया गया है। असामा मीर और जमान खान की जगह हसन अली और हारिस रऊफ को शामिल किया गया, जबकि आजम खान, इरफान खान और मोहम्मद रजवान फिट होकर टीम में शामिल होंगे। इस दौरान कौमी सिलेक्शन कमेटी के अरकान वहाब रियाज ने कहा, उस्मान ने डोमेस्टिक और पीएसएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उस्मान खान टैलेंटेड है, इसे सपोर्ट करने की जरूरत है। चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्क्वाड का ऐलान तखीर से किया। एक दो खिलाड़ी फिटनेस के मसाइल हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, कौमी टीम हर तरह की विकेट और अपोजिशन के लिए तैयार है। सुनने में आया है कि आयरलैंड या 80 विकटें ही न्यूयॉर्क में बन रही हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज अच्छी रही, इससे पहले कभी सीरीज में इतने नौजवान को मौका नहीं मिला।